भारत के 77% लोग एक सीक्रेट बीमारी के शिकार हैं। 77% यानी 4 में से 3 लोगों को ये बीमारी नोच खा रही है और कम आयु में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यहाँ तक हार्ट अटैक्स भी दे रही है। और ये बीमारी है टेंशन लेने की बीमारी। टेंशन यानी स्ट्रेस आने वाले 20 सालों में देश का सबसे बड़ा किलर होगा स्ट्रेस। एक्टिव लाइफस्टाइल रखने के बावजूद हाल ही में ज़ेरोधा के नितिन कामत को एक माइनर स्ट्रोक आया। एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन और पुअर स्लीप ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। मेरे करीबी एग्जांपल्स बताता हूँ। 28 साल की एज में मेरे दोस्त के बाल कम्प्लीटली व्हाइट हो चुके हैं स्ट्रेस की वजह से। 32 साल में मेरे कॉलेज सीनियर को इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका रीजन है स्ट्रेस। और तो और, पैंडेमिक के बाद हम में से कितने लोगों ने हमारे आसपास हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, अर्ली कैंसर के केसेस देखे हैं? आई हैव लॉस्ट काउंट। आज हमें आपको ऐसा ही एक स्टैटिस्टिक बनने से बचाना है। अगर आपको छोटी छोटी बातों का हद से ज्यादा टेंशन आता है, रात को बिस्तर पे पड़े पड़े आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हम प्रॉब्लम्स पर नहीं सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रेस होता क्यों है, फिर उसका आपके बॉडी पर होने वाला असर जानेंगे और फिर कुछ सीक्रेट्स और टेक्निक्स समझेंगे जिनसे आप टेंशन लेना कम कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से कई लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। 2022 में जब जनवरी के महीने में हमें कोविड हुआ तो 2 महीनों के लिए हम कॉन्टेंट बना ही नहीं पाए, फोकस ही नहीं कर पाए और इस बात का अलग से स्ट्रेस हमें होने लगा। हेल्थ इज वेल्थ, हम सब कहते तो है लेकिन ये नहीं समझते कि कब एक छोटी सी इलनेस एक प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम बन जाती है। आजकल के 30-40 साल के लोगों में कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक जैसी चीजें निकल कर आ रही हैं। क्या ये सही हो रहा है? हमारे बॉडी से हम मशीन की तरह काम तो करवाते हैं लेकिन जैसे एक मशीन की देखभाल करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, वैसे शरीर के साथ नहीं करते। जब तक पानी सर के ऊपर से नहीं निकल जाता तब तक हम कुछ नहीं करते और फिर महीनों के लिए हॉस्पिटल के चक्कर और लंबे बिल चुकाते रहते हैं। खाना होम डिलीवरी करवाना आसान है लेकिन क्या हमारी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस कम करवाना भी उतना ही आसान हो सकता है? हमें लगता है कि ये पॉसिबल है, इसीलिए हम अपोलो प्रो हेल्थ के साथ आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में एजुकेट करना चाहते हैं। अपोलो भारत का सबसे पर्सनलाइज हेल्थ असेसमेंट प्रोग्राम चलाता है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आप बीमारी होने के बाद नहीं, बीमारी होने से पहले ही रिस्क असेसमेंट करवाते हैं ताकि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस क्या हैं, क्या आपके बॉडी में कोई हिडन डिसीजेस तो नहीं, कैंसर होने से पहले ही हम उसे कैसे रोक सकते हैं, इन सारी बातों पर आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स हेल्प करते हैं। अपोलो के पास 25 मिलियन हेल्थ केयर चेक्स और 40 सालों का एक्सपीरियंस है। AI की मदद से अपोलो आपके हेल्थ का फ्यूचर रिस्क प्रेडिक्ट कर सकता है जिससे आप आज ही जरूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहां आपको एक हेल्थ मेंटर असाइन होता है, यानी डॉक्टर्स की मदद से आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, यहाँ तक कैंसर जैसे फ्यूचर प्रॉब्लम से आज ही बच सकते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए मैमोग्राफी और पैप स्मियर टेस्ट लाइफ सेविंग होते हैं क्योंकि अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है तो उसे कम्प्लीटली क्योर होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। ये सारे टेस्ट प्रो हेल्थ में हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। चलिए अपोलो प्रो हेल्थ के साथ अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, बीमारियां होने से पहले ही उन्हें रोकते हैं और जिंदगी बड़ी भी बनाते हैं और लंबी भी। लेट्स बी प्रो हेल्थ। चैप्टर 1, स्ट्रेस होता क्यों है। चलिए शुरुआत बड़े ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से करते हैं। स्ट्रेस इज गुड फॉर ह्यूमंस। क्या स्ट्रेस अच्छा है? CA फाइनल्स के एग्जाम के समय जब पेपर बाकी था और सिर्फ 5 मिनट बचे थे तो उस समय जो स्ट्रेस होता था वो तुम क्या जानो। लेट मी एक्सप्लेन, स्ट्रेस ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए अच्छी है या फिर थी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम अलर्ट होते हैं। हमारे ब्रेन का ये छोटा सा बादाम के शेप का पार्ट ट्रिगर होता है जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, जिससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी ट्रिगर होता है। पहले कोई भी थ्रेट जैसे सांप, भेड़िया या टाइगर दिखने पर स्ट्रेस की वजह से हम सरवाइव कर पाते थे। जैसे एक हिरण दुनिया के सबसे तेज चीता को भी मात देने की कैपेबिलिटी रखता है, वैसे ही सुपर ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें स्ट्रेस ने ही दी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज के जमाने में हम में से कितने लोगों को असली शेर से जूझना पड़ता है, कितनों को जंगल में रात काटनी पड़ती है,
कितनों को जिंदा रहने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। आई फील ये वीडियो देखने वाले किसी को भी नहीं। आज के मॉडर्न लाइफ में लाइफ थ्रेटनिंग थ्रेट्स नहीं है, लेकिन ये बात आपके ब्रेन को तो किसी ने बताई ही नहीं। जेनरेशन से चली आने वाली उसकी ये स्ट्रेस लेने की आदत गई ही नहीं, तो हम हमेशा हमारे एनवायरमेंट में थ्रेट्स को ढूंढने लगे। लेऑफ्स हो रहे हैं, मुझे लेऑफ कर दिया तो, एग्जाम आ रही है, पढ़ाई खत्म नहीं हुई तो, ट्रेन छूट गई तो, प्रमोशन नहीं मिली तो, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई तो, दैट राइट देयर इज द प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन एक्चुअल लाइफ के थ्रेट्स और हमारे परसीव थ्रेट्स में अंतर नहीं समझता। और असली शेर तो टेम्पररी होता है, टेंशन की वजह से हमारे दिमाग में बसने वाला शेर हमें कभी भी नोच खा सकता है। और प्रॉब्लम तब होता है जब इस मेंटल स्ट्रेस का असर हमारी फिजिकल बॉडी पर होने लगता है। चैप्टर 2, स्ट्रेस का फिजिकल इम्पैक्ट। ओके, वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना कि कैसे स्ट्रेस ने ह्यूमैनिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्पस सर्व किया था, लेकिन आज स्ट्रेस एक बीमारी बन चुका है। चलिए डेटा देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये 5 बीमारियां स्ट्रेस के वजह से हो सकती हैं। इनमें से नंबर 4 सच में मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। नंबर 5, आपके हार्ट पर इम्पैक्ट। नेचर रिव्यूज कार्डियोलॉजी का ये रिसर्च कहता है कि वो एम्प्लॉइज जो काफी स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में काम करते हैं, सोशली अकेले होते हैं, उनका सबसे पहला हार्ट अटैक या स्ट्रोक का इंसिडेंस स्ट्रेस की वजह से ही होता है। स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस 40-50% बढ़ जाते हैं। पैंडेमिक के दौरान पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, राज कौशल जैसे फेमस लोगों ने अर्ली एज में अपनी जान गंवाई। हम सोचते हैं कि हम काफी हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बात को नोट कीजिए कि सैफ अली खान को 2007 में एक माइनर हार्ट अटैक आया था, जब वो सिर्फ 36 साल के ही थे। यानी हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कई सारी चीजें होती है जिनके असर बाहर दिखते नहीं है। नंबर 4, आपके इम्यून सिस्टम पर इम्पैक्ट। डिड यू नो स्ट्रेस की वजह से एड्स से लड़ने में परेशानी होती है। अंडरस्टैंड दिस, HIV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। स्ट्रेस की वजह से आपको एड्स नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस की वजह से एड्स का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर ज्यादा फास्ट होने लगता है, क्योंकि बेसिकली एड्स और स्ट्रेस दोनों आपकी इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट करता है। HIV का कोई क्योर नहीं है, लेकिन मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ हम हमारी बॉडी में वायरस काउंट कम रख सकते हैं और एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम इस बात का स्ट्रेस ना लें तो। नंबर 3, आपके वजन पर इम्पैक्ट। जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा कि स्ट्रेस की वजह से हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, और जब भी कोई क्राइसिस होता है तो हमारी बॉडी सबसे पहले क्या करती है, अश्योर करती है कि सफिशिएंट से ज्यादा एनर्जी हो, यानी खाना हो। स्ट्रेस ईटिंग इज रियल। स्ट्रेस के समय हमें ज्यादा भूख लगती है, और मजे की बात यह है कि शॉर्ट रन में स्ट्रेस में फैट बर्न होता है, हमारा वजन कम होता है, तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा खाने की जरूरत है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में हमारे ब्रेन का इमोशनल साइड ट्रिगर होता है और हम कैलोरी डेंस खाना खाने लगते हैं, जैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम या समथिंग एल्स। WHO कहता है कि किसी भी इंसान के लिए 50 ग्राम से ज्यादा शुगर हानिकारक होती है, जो कि कुछ इतनी शुगर है। अब आप कहेंगे कि मैं एक दिन में इतनी शुगर कहाँ खाता हूँ, तो हमारा शुगर के ऊपर ये वीडियो जरूर देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। नंबर 2, आपके बालों पर इम्पैक्ट। ये डॉक्टर हार्वर्ड में एक प्रोफेसर है, उन्होंने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने छोटे छोटे बर्स्ट्स में उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाल दिया, रिजल्ट उनके बालों का कलर चेंज होने लगा। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। स्ट्रेस हमारे हेयर फॉलिकल्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है, और इन अ वे प्री मैच्योर एजिंग के लिए भी स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ लोग होते हैं जो 30 की एज में भी 40 के दिखता है, और कुछ लोग 50 होने के बावजूद 30 के। रीजन है स्ट्रेस। नंबर 1, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर इम्पैक्ट। महिलाओं के लिए स्ट्रेस और मेंस्ट्रुएशन का एक गहरा नाता है। विदाउट स्ट्रेस हमारी बॉडी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, इनका सही बैलेंस टाइमली पीरियड्स के लिए जरूरी होता है। स्ट्रेस की वजह से HPA एक्टिवेट होता है, और बॉडी को लगता है कि बच्चा कंसीव करने के लिए ये सही टाइम नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो स्ट्रेस सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके अनबॉर्न चाइल्ड के लिए भी डेंजरस है। स्ट्रेस की वजह से महिलाओं को पेनफुल पीरियड्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से PCOS एग्रेवेट होता है, और स्ट्रेस की वजह से और कई प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लोअर लिबिडो, यहाँ तक इम्पोर्टेंस भी स्ट्रेस से जुड़े डिजीजेस माने जाते हैं। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो सारे लिंक्स हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हुए। स्ट्रेस की वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स, मेमोरी लॉस, एंग्जाइटी रिलेटेड चेस्ट पेन, यहाँ तक कैंसर के भी चांसेस बढ़ते हैं। चलिए वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। समझते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 3, स्ट्रेस को मात कैसे दें। ओके, तो सोल्यूशन क्या है। अदिति नेरूरकर ने उनके बुक द 5 रीसेट्स में एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है।
वो कहती हैं कि पुराने जमाने में कोल माइनर्स उनके साथ माइंस में जमीन के नीचे एक गाने वाले पंछी को लेकर जाते और उसके गाने को सुनते रहते। लेकिन जब वो पंछी गाना गाना बंद कर देता तो अपना काम छोड़कर उस पंछी के साथ जमीन पर लौट आते। रीजन ये है कि पंछी तब तक गाना गाता था जब तक उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता था। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर पंछी गाना बंद कर देता और माइनर्स को एक सिग्नल मिल जाता कि अब काम करना डेंजरस है। ये सिग्नल हमें ढूंढने होंगे जो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वेट एक एक्सीलेंट साइन होता है। हेल्दी ह्यूमन स्वेट ओडरलेस होना चाहिए। स्वेट ओडर बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि नॉर्मल स्वेट इन ग्लैंड से आता है और स्ट्रेस रिलेटेड स्वेट इन ग्लैंड से। तो आई कैन टेल, एसी में पूरा दिन काम करने के बाद भी अगर घर आते समय बॉडी ओडर है, यानी दिन स्ट्रेसफुल रहा है। आपको खुद के पैटर्न्स को ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कब स्ट्रेस आपके हाथ से निकल रहा है। इस पूरे वीडियो का एक थीम रहा है कि मॉडर्न डे लाइफ में जो भी चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं, वो जितनी बड़ी होती हैं, उससे कई ज्यादा बड़ी लगती हैं। जब भी किसी बात का टेंशन आता है तो ये नंबर याद रखो, 10 10 10। सोचो कि क्या ये बात आपको 10 मिनट बाद टेंशन देगी? सोचो क्या ये बात आपको 10 महीनों बाद टेंशन देगी? सोचो क्या ये बात आपको 10 साल बाद टेंशन देगी? स्कूल के मार्क्स मैटर नहीं करते कहना काफी आसान है, लेकिन उस समय उस सिचुएशन में एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हर कोई पूछता है, हर कोई कंपेयर करता है, तो टेंशन आना स्वाभाविक है। मेरे कुछ भी कहने से टेंशन जाएगा तो नहीं। तो आपके इर्द गिर्द देखिए, आपके आसपास होने वाले इंसानों को स्कैन कीजिए, सेलिब्रिटीज को स्कैन कीजिए और सोचिए क्या उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स लाए थे। इस बेसिस पर आप उन्हें जज करते हैं? क्या उनके मार्क्स की वजह से आप उन्हें पहचानते हैं? याद रखिए कि 10 साल बाद किसी को भी आपके मार्क्स याद नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, लेकिन मार्क्स का टेंशन लेना बंद कर दीजिए। काम के समय जब इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन होता है और अचानक से लैपटॉप स्क्रीन को कनेक्ट ही नहीं होता तो टेंशन आता है, लेकिन इस टेंशन का शेल्फ लाइफ 10 मिनट का ही होता है, 10 महीने बाद याद नहीं रहता। वैसे ही गाड़ी चलाते हुए अगर एक यू टर्न मिस हो गया तो आगे जाकर दूसरा यू टर्न आ ही जाता है। कुछ चंद मिनट वेस्ट जरूर होता है, शायद ऑफिस पहुंचने में देरी भी होती है, लेकिन ये टेंशन सिर्फ पल भर का टेंशन ही होता है, लाइफ खत्म नहीं होती। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो सारे सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। एक पेपर लीजिए और उसे 3 हिस्सों में बांटिए, 10 मिनट, 10 महीने और 10 साल, और जो भी चीजें आपको टेंशन दे रही हैं उन्हें लिख दीजिए, डिवाइड कीजिए। जिसे जितना इम्पोर्टेंस देना है उतना ही दीजिए, और ये लिस्ट हो जाने के बाद सारे आंसर्स खुद के सामने पकड़ कर पूछिए, क्या इनमें से कोई भी चीज मेरे बालों को हमेशा हमेशा के लिए ग्रे कर दे, इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या इनमें से कोई भी चीज मुझे 32 की आयु में डायबिटीज दे दे, इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या इनमें से कोई भी चीज मुझे बीमार बना दे, इतनी इम्पोर्टेंट है? नहीं ना। तो एक लंबी सांस लीजिए और जाने दीजिए। मुझे बचपन से लगता था कि बड़े मुश्किल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बड़े मुश्किल होने चाहिए। नो, एक्चुअली दिस इज फॉल्स। मुश्किल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आसान होते हैं, लेकिन आसान सॉल्यूशंस इफेक्टिव तभी होते हैं जब वो पूरी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट हो। एक टेक्निक है जिसे कहते हैं PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसमें आप एक एक मसल को टेंस कर देते हैं और फिर रिलैक्स कर देते हैं। शुरुआत टोज से करनी है, जोर से टोज को पकड़ के रखना है, मानो धरती पैरों के नीचे से खिसक रही हो, और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। सेम चीज काव्स के साथ करनी है, हिप्स के साथ करनी है, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ऊपर आना है। माइंड के लिए मेडिटेशन कीजिए, बॉडी के लिए एक्सरसाइज, और खुद के शरीर के आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट करने के लिए रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। एकदम से नहीं, धीरे धीरे, एक दिन नहीं, हर दिन 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनना है। अपने शरीर को अपना एनिमी नहीं, अपना पार्टनर बनाना है। अपने शरीर की सुननी है, हेल्दी रहना है, और अपने दिमाग में शेर को नहीं रखना है। क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है।